स्टूडेंट, तो ये आपने देखा कि ये लाइव क्यूज आपने किया है और इसके क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सब जो है इजी है। जस्ट एक एक वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास में हमने कैसे किया था, क्या किया था। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा था। इसमें आपको एमोर्फस सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज है उसका डिस्कशन हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका जो अरेंजमेंट है वो एक पीरियोडिकल अरेंजमेंट में नहीं होता। अगर होता भी है तो वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है और उसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, बल्क प्रॉपर्टीज स्पेशली, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो इसमें क्लियरली कोई इशू ही नहीं है कि जो हमारा ऑप्शन डी है और जो बी है यहाँ पर, उनका एक कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है। तो वो कॉम्बिनेशन हमें डी के अंदर नजर आ रहा है ना, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड अदर प्रॉपर्टीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो क्लास 10th में भी आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा है। अमंग नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस एक ही सब्सटेंस ऐसा होता है जो कंडक्टर होता है, बाकी तो नॉन मेटेलिक जो सब्सटेंस होता है वो कंडक्टर होता ही नहीं है। तो जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो, तो ग्रेफाइट से बेटर तो और कोई चॉइस है ही नहीं। तो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है वो थोड़ा सा वापस से मतलब रिवाइज करें, अपने नोट्स को अपडेट करें, अगर कहीं ये पॉइंट मिस आउट हो गया तो अगली बार भी एग्जाम में जो है ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस अ यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक यूनिट सेल कैसी यूनिट सेल होती है, क्यूब शेप की यूनिट सेल होती है। तो आपको ये बताना है कि एक क्यूब के अराउंड अदर्स क्यूब कितने होंगे। यार एक क्यूब के अराउंड अदर क्यूब्स तो 6 ही हो सकते हैं, 4 उसके अराउंड जो वर्टिकल फेसेस हैं उनके आसपास हो सकते हैं, एक जो टॉप वाला फेस है उसपे ऊपर हो सकता है और एक उसके नीचे हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को जैसे कंफ्यूजन हुआ कि 8 हो सकता है। 8 अगर होगा तो सोचो, विजुलाइज करो, आप 8 क्यूब्स ले लो, आस पास में रख लो, लेकिन जो कोई भी एक क्यूब अगर देखोगे तो उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो और कोई यूनिट सेल है ही नहीं, वो तो बिल्कुल किनारे वाला आइटम हो गया इस चीज के लिए। तो हमें देखना है जो सभी साइड से सराउंडेड हो सकता है। तो एक क्यूब के अराउंड जो है मैक्सिमम आप 6 क्यूब्स अरेंज कर सकते हो और वो सब कॉमन एजेस होंगी, उनकी सब कॉमन कॉर्नर हो जाएंगे। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा हमारा आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये एक कंपाउंड है लिथियम और सिल्वर का, दिस क्यूबिक लैटिस है और इसके अंदर दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। तो ये तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि लिथियम साइज में छोटा है, सिल्वर साइज में बड़ा है। तो सिल्वर एक लैटिस बनाएगा, लिथियम उस लैटिस के अंदर एप्रोप्रिएट साइज के वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने का मतलब है कि वो क्यूबिक वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। सीजियम हैलाइड टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है, तो यहाँ पे सीजियम हैलाइड टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक टाइप से बॉडी सेंटर टाइप का हो जाएगा, जिसमें कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स जो होंगे वो बॉडी सेंटर लैटिस पॉइंट से डिफरेंट टाइप के होंगे। तो एक टाइप का आइडियल बीसीसी नहीं है, लेकिन ये बीसीसी टाइप का है, या इसको हम कह सकते हैं सीजियम हैलाइड टाइप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, तो ये आपको बताया था दो टाइप की 3D क्लोज पैकिंग होती है, एक एबीसी एबीसी टाइप का और एक एबीएबी टाइप का। तो जो एबीएबी टाइप ऑफ 3D क्लोज पैकिंग है ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें जो यूनिट सेल है, ठीक है, या किसी भी टाइप की एबीसी एबीसी ले लो या एबीएबी ले लो, 3D क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होगा। बताया था ना कि एक के अराउंड उसकी अपनी लेयर में 6 होंगे, उसके ऊपर वाली लेयर में 3 होंगे, उसके नीचे वाली लेयर के भी 3 होंगे। ऐसा भी है एबीएबी टाइप है या एबीसी एबीसी टाइप है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 ही रहेगा, तभी तो इनका पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 आ जाएगा। 6th क्वेश्चन के अंदर ये एक सब्सटेंस है वो एफसीसी लैटिस के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा है, जिसमें ए एटम जो है वो कॉर्नर पर है। तो आपको बताया था कॉर्नर से इफेक्टिवली हमेशा 1 आएगा। एंड बी ऑक्यूपाई द फेस सेंटर ऑफ द क्यूब ईच फेस सेंटर, तो फेस सेंटर का जो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा वो हाफ होता है, 6 फेसेस होंगे तो उसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए 1 होगा पर यूनिट सेल और बी जो होंगे वो 3 होंगे, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ए बी 3 टाइप का बन जाएगा। नाउ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल आप लोग जानते हो कि ये इस टाइप से एक हमारे पास में यूनिट सेल बनी होती है, ठीक है, और इसके अंदर ये कॉर्नर्स वाले लैटिस पॉइंट्स है, फेस सेंटर वाले लैटिस पॉइंट्स है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है और बीच में जो है ये इधर होता है, तो ये सब ऑक्यूपाइड होते हैं। तो कॉर्नर का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन और ये मिडल लेयर वाले, इफेक्टिवली 3 होते हैं बताया था आपको।
तो ये ऐसे करके अगर आप देखोगे तो इसका जो जेड बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट्स का, वो इफेक्टिवली जो है कितना होता है, 6 होता है। बेस सेंटर से 1 आ जाएगा, मिडल वाली जो लेयर है उसके इफेक्टिवली 3 आ जाएंगे। ऐसे चेक करके आप बता सकते हो इसका आंसर क्या है। कुछ इसमें जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं ये टोटल 17 होंगे, देखो 6 ऊपर कॉर्नर हो गए, नीचे 6 कॉर्नर हो गए तो 12 हो गए, और 2 फेस सेंटर हो गए तो 12 और 2 जो है हमारे पास में 14 हो गए, और बीच में 3 है 17। नहीं, ये टोटल लैटिस पोजीशंस है, हमें इफेक्टिव नंबर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब एक लैटिस पोजीशन अदर यूनिट सेल के लिए भी कॉमन है, तो इस यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो जिन बच्चों को एक्टिव कंट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है वो अपना वापस से इस पार्ट को रिवाइज करें। तो जैसे बताया था कि इसका जो हमारा इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/6 हो जाएगा, तो ये आप अपनी क्लास कॉपी को रिवाइज करिएगा। और ये तो बिल्कुल मैंने क्लास में एटलीस्ट मुझे याद है कि मैंने 3 बार रिपीट किया था। अगर हमें लेयरिंग की सिक्वेंसिंग दे रखी है 3D क्लोज पैकिंग में, और अगर कहा जाता है कि क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट जो है वो कौन सा नहीं है, या क्लोजेस्ट पैकिंग लैटिस कौन सा नहीं होगा, तो आपको ये देखना है कोई भी एक लेयर साइमल्टेनियसली 2 times रिपीट नहीं होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली 2 times रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे BB आ गया, इसका मतलब ये जो एक हमारे पास में क्लोज पैक अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है उसको ब्रेक कर रहा है। बाकी ऑप्शन को आप देख लीजिए, कहीं पे भी कंटिन्यूसली एक लेयर 2 times रिपीट नहीं हो रही है, तो इसका आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे रखे हैं। एक्स जो है वो कहाँ जा रहा है, एफसीसी लैटिस के कॉर्नर, एक्स एफसीसी लैटिस बना रहा है। तो एफसीसी लैटिस बनाने का मतलब इफेक्टिवली 4 एफसीसी लैटिस पॉइंट्स होंगे, और वाई जो है इस एफसीसी लैटिस के अंदर सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो आपको बताया था कि जो हमारे पास में 3D क्लोज पैकिंग होती है, उस 3D क्लोज पैकिंग में पर यूनिट सेल इफेक्टिवली अगर जेड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो 2Z नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, और Z नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, है ना। तो X FCC ऑक्यूपाई कर रहा है तो 4 X हो जाएंगे, और Y जो है वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर आ गया, तो यहाँ पर जो है ये 8 हो जाएगा, और Z जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, इसका हाफ ऑक्यूपाई करेगा, तो 4 का जो हाफ होगा वो 2 होगा। तो इसका मतलब ये 4:8:2 का सिंपलेस्ट रेशियो जो है हमें फाइंड आउट करना है। ये 1, 4 और 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब X2, Y4 और Z1 टाइप का आंसर हमें सेलेक्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड ईच पार्टिकल इन फेस सेंटर। नियरेस्ट नेबर का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि AB टाइप ऑफ 3D क्लोज पैकिंग या ABC टाइप ऑफ 3D क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अराउंड अपनी लेयर के 6 होंगे, 3 उसके ऊपर आएंगे, 3 उसके नीचे आएंगे। देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेम आएगा 3D क्लोज पैकिंग के अंदर, इन ABAB टाइप ऑफ 3D क्लोज पैकिंग और ABC टाइप ऑफ 3D क्लोज पैकिंग। यहाँ पे नियरेस्ट नेबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आंसर हमारा इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, मैंने जैसे स्पेशली आपको बताया था 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए कि ये क्लिनिक जो क्रिस्टेलोग्राफी होती है जिसमें हम सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, क्रिस्टेलोग्राफी में क्लिनिक वर्ड का मतलब होता है स्लेंटिंग, ऑब्लिक, नॉट ऑर्थोगोनल। इसका मतलब है मोनो का मतलब क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में हम जो एजेस हैं और इनके बीच में जो इंटर एक्सियल एंगल्स हैं उनकी बात करते हैं, है ना। तो 1 एंगल इज नॉट 90 degree, दैट इज मींस टू से मोनोक्लिनिक। और ऐसा ही एक इससे मिलता जुलता था ट्राइक्लिनिक, ऑल 3 एंगल्स आर नॉट 90 degree। तो देखिए एक ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है जिसमें एक एंगल 90 degree का नहीं है, बाकी अगर आप देखो तो ये तो कह रहा तीनों 90 degree, ये कह रहा तीनों ही 90 degree नहीं है, और यहाँ पे ये कह रहा है तीनों 90 degree होंगे, इक्वल होंगे। सो मोनोक्लिनिक मीन्स अ क्रिस्टल सिस्टम इन विच ऑल 3 एजेस आर नॉट ऑफ सेम लेंथ एंड ओनली 1 एंगल इज ऑफ नॉट 90 degree। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, स्पेशली जेई मेंस में तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और यही बेसिक क्वेश्चंस जो है, बेसिक इंफॉर्मेशंस है, जेई एडवांस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारा बेस भी बनाती है। यही इंफॉर्मेशन जब होगी तो वहां पे भी हम थोड़े से थिंकिंग स्किल को अप्लाई करके किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे।
इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्रिस्टल सिस्टम कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशन, तो देखिए यहाँ पे ए और बी सेम लेंथ का है और सी जो है वो डिफरेंट लेंथ का, तो ये कोई ऐसा क्रिस्टल सिस्टम हो गया ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और इसके अंदर दो एंगल 90 डिग्री के और तीसरा एंगल जो है 120 डिग्री का, या तो हम कहते हैं कि एंगल 90 डिग्री होता है या 90 डिग्री नहीं होता है, एक ही यूनिट सेल ऐसी होती है, एक क्रिस्टल सिस्टम ऐसा होता है जिसमें एक एंगल जो है अदर देन 90 डिग्री होता है, और वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा होता है, हेक्सागोनल, ये इस टाइप से आप बता सकते हो हेक्सागोनल। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्यूबिक में तो तीनों एजेस इक्वल लेंथ की होती है और तो रोम्बिक में भी तीनों एजेस इक्वल लेंथ की होती है, क्यूबिक में और ऑर्थोरोम्बिक में एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बोहेड्रल को भी अगर आप देखोगे तो इसमें तीनों एजेस इक्वल लेंथ के नहीं होती है, दो एजेस जो होंगी वो तीनों एजेस जो है वो इक्वल लेंथ की नहीं होगी, तो ये आप और वापस से रिवाइज करना, बट ये इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हेक्सागोनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13th में कह रहा है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ क्रिस्टल इज 2, जिसका मतलब यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो 2 ही है, जिसका मतलब हर एक यूनिट सेल के अंदर सारे कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स तो ऑक्यूपाइड होते ही होते हैं, वो तो मिस आउट नहीं हो सकता है, वो तो बिल्कुल बेसिक अरेंजमेंट है, सिंपल अरेंजमेंट है, तो एक तो कॉर्नर से हो जाएगा, बाकी के जो दो लैटिस पॉइंट्स है वो कौन कौन से, फेस सेंटर से और बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर तो सारे अगर ऑक्यूपाइड होंगे तो एक पार्ट तो आएगा ही आएगा इसके लिए, बॉडी सेंटर से जो है एक पार्ट आएगा, तो सारे फेस सेंटर को अगर देखेंगे तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो फेस सेंटर में तो इफेक्टिव नंबर जो है वो 4 आता है। ऑक्टाहेड्रल कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये तो जस्ट ऐसे ही फिलर दे रखा है, लगता है कि एग्जामिनर के पास में जो है ऑप्शंस की कमी हो गई है ना, इसको थोड़ा और इंप्रूव करने के लिए मैं इसमें एंड सेंटर डाल सकता था, एंड सेंटर अगर डालेंगे तो कॉर्नर से तो एक आ जाएगा और दो अपोजिट फेस सेंटर से एक ही आएगा, लेकिन वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता, मल्टीपल आंसर हो सकते थे, इसलिए एग्जामिनर ने नहीं डाला, फेवर कर रहा है हमारा, देखो ऑक्टाहेड्रल तुम्हें जज करना है कि एक फिलर है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है ही नहीं, और फेस सेंटर में आप लोग जानते हो 4 होता है, क्यूबिक में आप लोग जानते हो 1 होता है, और बॉडी सेंटर में आप लोग जानते हो इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आ गया इज जेड इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल दैट रिप्रेजेंट्स द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस एबीसी एबीसी, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर हम 3D क्लोज पैकिंग स्टडी कर रहे हैं तो दो टाइप की 3D क्लोज पैकिंग होती है, एक एबी एबी टाइप का और एक एबीसी एबीसी टाइप, तो 3D क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल में अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर Z है तो इसके अंदर 2Z नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे एंड Z नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, यही तो स्टडी किया था, तो इस क्वेश्चन में वो यही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू 2Z, कितना इजी है, देखो यही सब चीजें तो हमने क्लास में डिस्कस की थी, एंड बिलीव मी यही इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में करेक्ट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स पर स्फीयर इन एफसीसी, एफसीसी में अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिवली 4 स्फीयर्स होते हैं, जैसे जेड 4 होता है, अब इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो भी कितने होंगे, जेड के इक्वल ही तो होंगे ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 ही होंगे, लेकिन पर स्फीयर आपको फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर स्फीयर जो होंगे वो 1 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ा सा सेलेक्ट किए हैं आपको ये रियलाइज कराने के लिए कि इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स को हमें रिवाइज करना है, बिलीव मी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं।